ओम शांति। हम सभी इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान और खुशनसीब हैं जिन्हें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिला कि भगवान इस सृष्टि पर कैसे कार्य करता है, कैसे वो अपना पाठ बजाता है, कैसे आत्माओं को प्यार से श्रृंगार करके दृष्टि देकर पावन बना देता है, घर ले जाता है, हमारी मूल स्थिति में हमें ले जाता है। भगवान को देखने का सुंदर पाठ मिला, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। भगवान हमारे लिए खुशियों का भंडार लेकर आया है, उसने अपने सब भंडार हमारे लिए खोल दिए हैं। बच्चे, जो चाहे ले लो, अभी हमारे ऊपर है। हम अपनी बुद्धि को कितना एकाग्र करते हैं, चित्त को कितना शांत करते हैं, स्वयं को कितना निर्मल करते हैं। बाबा तो दाता बनकर आया है और सब कुछ देने आया है। उसने तो कह दिया, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। वो तो खाली होने आया है हमें भरपूर करने। जरा अपने भाग्य को देखें, इस सुंदर अवसर को देखें, क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, और खुशियों में डांस करते रहें। ये हमारी खुशी हमारे ब्रेन की सलवटों को खोल देती है। ये हमारी खुशी हमारी बीमारियों को समाप्त कर देती है। ये खुशी हमारे चेहरे पर तेज ले आती है और इसी से बहुत ज्यादा सेवा होती है। हम संकल्प कर लें, हमें बहुत खुश रहना है। संसार के लोगों के लिए तो खुशी महंगी होती जा रही है, धनवान भी खुश नहीं है। संबंधों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, कार्य व्यवहार में भी टेंशन का माहौल बनता जा रहा है। संसार में अनेक लोग मानसिक रोगों से पीड़ित होते जा रहे हैं। हमें उन्हें खुश रहना सिखाना है, हमें उन्हें खुशियों का दान देना है। हमारे वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति है कि सभी की उदासी को समाप्त कर सकते हैं। जरा खुशी में डांस कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जिसने भगवान की पालना ली, जिसने भगवान का प्यार पाया, जिसने भगवान को इस धरा पर भाग्य बांटते हुए देखा, ज्ञान डांस करते हुए देखा, गुह्य रहस्य खोलते हुए देखा, वहा मेरा भाग्य। बस माया की कोई भी काली नजर हमारे इस भाग्य को छीन न ले, हमारी खुशी को चुरा कर न ले जाए, ये सावधानी हमें अवश्य रखनी है। क्योंकि माया भी हमारे पीछे है, वो हमें खुश नहीं देख सकती। और बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि हम संकल्प क्या करते हैं जो खुशी नष्ट हो जाती है। हम दूसरों से क्या चाहते हैं, हम दूसरों में क्या देख लेते हैं जो हमारी खुशी लोप हो जाती है। गलती दूसरे करें और खुशी लोप करने का नुकसान हम करें, कमियां दूसरों की और हम उनको चित्त पर धारण करके अपने आनंद को समाप्त कर दें। हम क्यों पर चिंतन करें, ये समय तो स्वचिंतन का है, ये जीवन तो महान कार्य करने के लिए मिला है। हमें निरंतर सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते रहना है। तो आइए हम ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बने, चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस, जिनसे संसार की सभी आत्माओं को हर पल प्रकाश मिलता रहे, वाइब्रेशंस मिलता रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की इस संसार को इस समय बहुत आवश्यकता है। और हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं, हम आधार मूर्त है, हमारी खुशी
सभी को प्रसन्नता का वरदान देगी। इसलिए छोटी-छोटी बातों में अटककर हम इस खुशी को गुम नहीं करेंगे। तो आज सारा दिन ईश्वरीय प्राप्तियों को याद करके खुशी में डांस करते रहेंगे और बाप दादा का आह्वान करेंगे हर घंटे में, और अनुभव करेंगे उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ओम शांति।